कट्टे से गोली मारकर फरार हुए दोनों आरोपियों को देहात पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार फरियादी को आरोपी गणों ने कॉल करके मुन्ना गैरेज गार्ड गोरी किनारे बुलाया और लेन देन के मामले को सुलझाने की बात होने लगी। इसी बात पर बहस इतनी बढ़ गई कि उक्त व्यक्ति ने कट्टे से गोली मार दी जो सीधे हाथ की हथेली में लगी। घटना कारित करने के बाद दोनों आरोपी घटना करके भाग गए। तभी फरियादी के आवेदन पर आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी और चंद घंटों बाद आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी को दबोचने में देहात थाना प्रभारी आलोक तोमर, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह सेंगर, आदिल खान, सुमित तोमर, गुरदास सोनेन, केशव भदौरिया, मृगेन मुकेश यादव की विशेष भूमिका रही। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।